गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। और इस समय की करंट फीलिंग, इस समय की करंट एनर्जीज, बिल्कुल इस समय की आपके पर्सन की क्या है और आपके बारे में आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है सभी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। और देखते हैं कि इस समय जो आपके पार्टनर है या इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की क्या हो रही है आपके लिए। और इस चैनल पर आपको हर कुछ आवर्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको इसमें वीडियो देखने को मिलेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग लाइक, क्योंकि मैं दिन में कई बार वीडियो डालती हूँ ताकि आपको अपने पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में पता चलता रहे कि इस समय ये सिचुएशन हो रही है, अब इस समय ये सिचुएशन हो रही है। तो इस समय का क्या हाल है और इस समय की क्या एनर्जी है अगर आप लोग नो कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट में दिख रहा है आपके पर्सन का। और ये लग रहा है इस कार्ड को देख कर कि जैसे आपके पर्सन ना आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और नहीं भी ब्लॉक, ज़्यादातर तो देखो ब्लॉक ही किया हुआ है, सब जगह से ब्लॉक किया है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया, कोई जगह नहीं छोड़ी है, सब जगह ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। और कहीं कहीं पर ये भी दिख रहा है कि नहीं है, नहीं है ब्लॉक, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ना के बराबर है। आप कुछ ज़बरदस्त आप कुछ पूछते हो ना तो वो बहुत ही मतलब लिमिट में आंसर देना यहाँ पर दिख रहा है। टू ऑफ वेंट्स है देखो यहाँ पर, लेकिन टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज भी आ रही है, टू ऑफ वेंट्स की एनर्जीज भी आ रही है। देखो ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग सैड भी आ रही है यहाँ पर कहीं कहीं। देखो पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मून की सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि ये पर्सन इस समय पर आपसे दूर होकर या आपसे बिछड़ कर दुखी है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से रुकी हुई है एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, मतलब लाइक कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब उनके ऊपर फोकस भी करके रखा हुआ ताकि उनका वो आपसे बात ना कर पाएँ या फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट ना कर पाएँ, ये चीज़ भी यहाँ पर साफ दिख रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे कॉल पर और या फिर आपको मैसेजेस के ज़रिए अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं कि भाई वो ऐसे नहीं है, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, उनका रिश्ता जो है वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ उनकी दिख रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी बाउंडेशन की वजह से या किसी बर्डन की वजह से उन्होंने इस समय पर आपसे दूरियाँ बना ली हैं, लेकिन ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब कुछ बाउंडेशन दिख रहा है और कुछ ऐसा बर्डन भी दिख रहा है जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, फोर्स है किसी का या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली भी कंट्रोल किया होगा, ये भी चीज़ दिख रही है, इमोशनली कंट्रोल। तो ये उस इमोशनली कंट्रोल में आकर एक फियर में भी है, उसमें आकर ये आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनका जो प्यार है वो आपके लिए इस समय देख रही हूँ मैं, उसको रुला देने वाली फीलिंग्स आ रही है, उनकी जो करंट फीलिंग्स आ रही है वो ऐसी आ रही है कि बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं आपको लेकर, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ, कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, किस तरीके से बात करूँ, कैसे मैसेजेस करूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अपसेट माइंड होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। राशियाँ जो यहाँ पर बन रही हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस कैप्रिकॉन टॉरस जेमिनी लिब्रा पाइसेस लियो कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जिसके पर्सन हो सकते हैं। और दूरियों में ना आपके पर्सन, देखो ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, मैं बोलूँगी यहाँ पर कार्ड को देख कर, लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ फैसले ऐसे हैं, कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जो ये ले चुके हैं और जो बहुत ही मतलब जो डिसीज़न लिए हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लिए हैं, तो अब उनको चिंता लग रही है आपके और अपने रिश्ते को लेकर। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है
और ये आपसे दूर होकर एक सैड एनर्जीज में साफ दिखाई दे रहे, मतलब रोते हुए एनर्जीज में दिख रहे हैं ये पर्सन। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी सब्सक्राइबर लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर है या सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर यूनिवर्स, प्लीज़ व्यूवर्स उनकी रियूनियन हो जाए। तो देखो एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये संदेश इनका है, आपके पर्सन का मैसेज आया हुआ है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं तुम्हें इस परिस्थितियों से निकाल लूँगा या इस परिस्थितियों से निकाल लूँगी। आपके पर्सन जो है वो आपको एक तरीके का संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज आपको दे रहे हैं, और उनका ये मैसेज ट्रू लव का है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यही मैसेज दिया है जो मेरे पास मुझे वाइब्रेशन मिल रही है आपके पार्टनर का, कि मेरा प्यार सच्चा है। क्योंकि आई थिंक कहीं कहीं पर आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसी आ रही होगी कि आप सोच रहे हो कि अभी तक उन्होंने कॉन्टेक्ट नहीं किया, शायद इस इंसान को मुझसे मतलब नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक उन्होंने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, इस तरीके का व्यवहार किया है जो कि अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो रूडली बिहेवियर था या अचानक से उन्होंने बहुत ही इस तरीके से बात की आपसे और झगड़ा एकदम से कर दिया, या फिर बिना कुछ सुने कहे आपको ब्लॉक कर दिया, तो उन सब चीज़ों का भी ना गिल्ट दिख रहा है। और आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, और मैं तुम्हारे साथ जो है वो इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है इस रिश्ते का, लेकिन जो ब्रेकअप हुआ है उसमें ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और ये कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे अपने रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी, एंड टेक केयर, बाय बाय।